हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव। जैसा कि आप सब जानते हैं, बेंजीन की कैकुले स्ट्रक्चर में बेंजीन के 6 कार्बन एटम आपस में साइक्लिक पोजीशन में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तथा प्रत्येक कार्बन का पीजेड ऑर्बिटल वलय के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे पाता है, परंतु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विशेष परिस्थिति में ही दे पाता है। यहाँ पे प्लस एम प्रभाव को देखते हैं एरिल बेंजीन में, तो यहाँ पे क्लोरीन रिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन युग्म, क्लोरीन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होते हैं, और यहाँ से यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होने के कारण यहाँ से यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजिशन पर बढ़ा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और आप जानते होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की अपेक्षा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है, इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन और बेंजीन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ गई है, वह यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और पैरा पोजीशन से इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन की अनुनाद स्ट्रक्चर को देखते हैं। इन स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जबकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इजिली हो पाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट हेलोजिनेशन, जब वेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट FeCl3 एंड प्रॉपर टेम्परेचर, वी विल फाउंड 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट इन द कंसंट्रेट H2SO4, व्हेन वी विल ऑब्टेन 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। थर्ड रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, व्हेन द क्लोरोबेंजीन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रॉपर टेम्परेचर, वी विल ऑब्टेन द प्रोडक्ट 1-क्लोरो-2-नाइट्रो-बेंजीन एंड 1-क्लोरो-4-नाइट्रो-बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन, वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। इट इज द नेम रिएक्शन व्हेन द क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3 एंड प्रॉपर टेम्परेचर, वी विल फाउंड 1-क्लोरो-2-मेथिल-बेंजीन एंड 1-क्लोरो-4-मेथिल-बेंजीन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।